डॉक्टर। क्या हो गया रिजवान, सब ठीक है? हटो हटो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, अल्लाह मेरी जान बचा ले। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जुए में फिर से कुछ हार गए होगे। आगे से बकवास करती है, शोर की हमदर्दी कर, उसकी मदद कर, क्या बकवास करती रही है तू? तुझे किसी ने अदब नहीं सिखाया? घर में राशन नहीं है, अम्मी की दवाइयाँ खत्म हुई है, तुम्हें फुर्सत नहीं है जुए और अपने आवारा दोस्तों से। ऐसे इंसान की ना हमदर्दी की जाती है ना ही कोई इज्जत होती है। वो सोने का सेट किधर है? सोने का सेट? कौन सा सोने का सेट? तुमने कौन सा सोने का सेट दिया मुझे रिजवान? कहाँ गया सोने का सेट? तेरी बहन ने जो तुझे पैसे दिए थे और तेरी नानी ने मरने से पहले तुझे सोने का सेट दिया, कहाँ गया बता? रिजवान वो यहाँ नहीं है, वो आप ही के पास है। क्या तूने वहाँ क्यों रखा? पागल हो गई है? तेरा वो जब वो कौन है तेरा वो बहन, वो भी ये भी खा जाएगा प्लाट की तरह। व्हाट कौन सा प्लॉट, तुम्हें कैसे पता है? सब जानता हूँ तेरे में, सब जानता हूँ तेरे बारे में। थे मुझे 2 लाख रुपए, मुझे वरना वो मार देंगे यार, दे। ये क्या? सब कुछ तो मेरी है, मैं फजूल में मगजमारी कर रहा था, निकाल इसको। नहीं 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 रिजवान, ये नहीं, बस ये चूड़ियां रहने दो प्लीज, ये चूड़ियां रहने दो रिजवान। निकाल, चुप, निकाल इसको। रिजवान नहीं, मुझे दर्द कर रहा है। निकाल, ये भी निकाल, ये भी निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। रिजवान चुप। मैं चुप। निकाल से। सोने की चेन ला दे मुझे। नहीं रिजवान, ये चेन पीटर की निशानी है, मैं तुम्हें सोने का सेट ला दूंगी, मैं पैसे मिला दूंगी। ये नहीं होगा, ये यहां मेरी जान पे पड़ी है, मुझे सोने की चेन दे। नहीं, सोने की चेन। हो गया मेरा काम, जान बच गई मेरी, हो गया मेरा काम। बैठ गया, बैठ। रिजवान इतना घटिया, इतना बेरहम होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती, और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है आपकी, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? कितनी बार समझा कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रहे रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे, ना किसी किस्म की मदद, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं नहीं उजाला, हरगिज़ नहीं। मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है, तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो, और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती हूँ, फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी।